सीएम योगी ने वित्त विभाग के अधिकारियों की बुलाई बड़ी बैठक। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर बैठक में होगी चर्चा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम कर सकती है यूपी सरकार। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी मीटिंग। यूपी में भाजपा निकालेगी किसान ट्रैक्टर रैली। नवंबर से सभी जिलों में निकाली जाएगी ट्रैक्टर रैली। भाजपा किसान मोर्चा यूपी के सभी जिलों में निकालेगी रैली। रैली के जरिए किसानों के लिए किए गए कामों का होगा बखान। हर विधानसभा क्षेत्र में 5,000 नए मतदाता बनाएगी भाजपा। भाजपा ने कार्यकर्ताओं का त्रिदेव नाम से समूह किया तैयार। त्रिदेव समूह में BLA, बूथ प्रमुख और बूथ प्रभारी शामिल। 1 नवंबर से मतदाता बनाओ चलेगा अभियान। बसपा दीपावली के बाद करेगी बड़ी रैलियों की शुरुआत। मायावती रैलियों में होंगी शामिल। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहित कई बड़े नेता भी रहेंगे मौजूद। आकाश आनंद और कपिल भी संभालेंगे चुनाव प्रचार की कमान। प्रियंका गांधी वाड्रा का भाजपा सरकार पर हमला। किसानों को लेकर प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, किसान विरोधी है भाजपा सरकार, इनकी नीयत और नीति दोनों में किसान विरोधी रवैया। 30 अक्टूबर से उत्तराखंड में भाजपा करेगी चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 30 अक्टूबर को देहरादून से करेंगे चुनावी शंखनाद। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। आज से यूपी के सभी शहरों में आयोजित होगा दीपावली मेला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के झूलेलाल घाट किनारे दिवाली मेले का करेंगे उद्घाटन। जलवायु परिवर्तन समेत 2021 की शुरुआत भी करेंगे सीएम योगी। आज शाम 5 बजे सचिवालय में धामी कैबिनेट की होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। आपदा प्रभावित लोगों की मुआवजा राशि और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विभागों की नियमावली में हो सकता है संशोधन। यूपी में 10 IAS अफसरों का तबादला। 6 जिलाधिकारियों के हुए तबादले। IAS आलोक सिंह ललितपुर के नए DM बने तो IAS डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी हमीरपुर के DM बनाए गए। IAS महेंद्र बहादुर सिंह लखीमपुर के नए DM बने। IAS अरुण कुमार को मऊ का बनाया गया नया DM। IAS शेषमणि पांडे को अमेठी के DM का जिम्मा मिला तो IAS अविनाश कृष्ण सिंह मैनपुरी के DM बने। लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़ को अवमानना नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यादव सुनील कुमार को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने 9 सितंबर 2021 के आदेश का पालन करने का दिया निर्देश। पाकिस्तान की जीत पर यूपी में जश्न मनाने वालों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। देशद्रोह का चलेगा केस। यूपी के अलग अलग जिलों में अब तक 7 लोग नामजद। गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीत चुके हैं सुहास एलवाई। अर्जुन अवार्ड पाने वाले देश के पहले IAS अधिकारी होंगे सुहास। नोएडा की अमरपाली सेफायर सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड्स और रेजिडेंट के बीच किसी बात को लेकर हुई कहासुनी। गार्ड्स ने रेजिडेंट पर जमकर लाठी डंडे बरसा दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमेठी में मछली पकड़ने गए 3 युवकों पर चढ़ा डंपर। 2 की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर। तालाब से मछली पकड़ने के बाद रात में नींद आने के चलते सड़क किनारे लेटे थे तीनों। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र की घटना। बागेश्वर में खाई में गिरी सवारियों से भरी गाड़ी। हादसे में 5 लोग की मौत, 7 लोग घायल। SDRF ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर और पिकअप वैन के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोग की मौके पर मौत हो गई जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,156 नए केस दर्ज। संक्रमण से 733 लोग की मौत, 17,095 लोग रिकवर। केरल में एक दिन में 82,689 सैंपल टेस्ट होने के बाद 9,445 लोग संक्रमित। बुधवार को देश में कोरोना की 49,09,254 डोज दी गई। अब तक 104,04,99,873 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। बीते दिन 12,90,900 सैंपल टेस्ट हुए। कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा पहुंचा 60,44,98,405। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केस हैं 1,60,989। अब तक 3,42,31,809 लोग हो चुके हैं संक्रमित। इनमें से 3,36,14,434 लोग रिकवर। 4,56,386 लोग गंवा चुके जान।
AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बुधवार को रुड़की पहुंचे। यहां नारसन बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रुड़की होते हुए ओवैसी पिरान कलियर की साबिर पाक दरगाह पहुंचे और चादर पोशी कर दुआएं मांगी। उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी लोकेट चटर्जी बुधवार को उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंची। यहां पर लोकेट चटर्जी ने भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। फर्रुखाबाद में गंगा और रामगंगा नदी की बाढ़ के पानी में 190 गांव घिर गए। 50 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। तीन नदियों की बाढ़ से हजारों बीघा सरसों आलू और धान की फसलें डूब गयी। बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों में दहशत। लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ पहुंचे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों का आरोप, प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही। अधिकारी लगातार निगरानी की बात कह रहे हैं। भारत पाकिस्तान मैच के बाद सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करने वाले रामपुर मथुरा कस्बे के मुशर्रफ अली को पुलिस से गिरफ्तार कर भेजा जेल। बजरंग दल और भाजपा ने लिखित रूप में मुशर्रफ अली के खिलाफ शिकायत की थी। आगरा में RBS ग्रुप के सभी शिक्षण संस्थान अनिश्चितकाल के लिए बंद। पाकिस्तान की जीत पर कश्मीरी छात्रों ने सोशल मीडिया पर जताई थी खुशी। तीन कश्मीरी छात्रों पर कॉलेज प्रबंधन ने की कार्रवाई। इंडिया UAE बिजनेस कॉन्क्लेव 2021 दुबई के 5 सितारा होटल ओब्रॉय में खत्म हुआ। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन ने इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कार्यक्रम में लखनऊ बेस्ड कंपनी मेधस टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के CMD डॉक्टर समीर त्रिपाठी को ग्लोबल एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्रिपाठी को ये सम्मान अबुधाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन अहमद बिन हामदान अल नहयान ने दिया। IIT कानपुर में ड्रोन मेले का किया गया आयोजन। बिना आवाज किए उड़ने वाला 250 ग्राम का नैनो ड्रोन, दुश्मन के ड्रोन को खदेड़ने वाला ड्रोन, हवा में ही 3D नक्शा तैयार कर मोबाइल पर भेजने वाला ड्रोन आकर्षण का केंद्र। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे का हुआ इजाफा। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 108.29 रुपए प्रति लीटर हो गया तो वहीं डीजल की कीमत 97.02 रुपए पर पहुंच गई। होंडा कार्स इंडिया ने दिवाली पर नई फाइनेंस स्कीम की घोषणा की। कम ब्याज दर पर नई अमेज, WRV, जैज और सिटी खरीद सकते हैं। कार की कीमत पर 90% तक लोन ले पाएंगे लोग। 53,505 रुपए तक बचा सकते हैं। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन लाल निशान पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 258 अंकों की गिरावट, 60,884 के स्तर पर हुई शुरुआत। वहीं निफ्टी 72 अंकों की गिरावट के साथ 18,138 के लेवल पर खुला। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ दिसंबर में शादी करने जा रहे हैं। तारीख भी डिसाइड कर ली गई है, लेकिन इसे बेहद सीक्रेट रखा जा रहा है। खबर ये भी है कि दोनों अपने कपड़े तैयार करा रहे हैं और मशहूर सेलिब्रिटी डिजाइनर सब्यसाची इनके वेडिंग आउटफिट तैयार कर रहे हैं। नन्हे बेटे को टॉप के अंदर रखकर नेहा धूपिया ने कराई ब्रेस्ट फीडिंग। बेटे को दूध पिलाते नेहा धूपिया ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें की शेयर और ब्रेस्ट फीडिंग की आजादी पर बात की। उनका ये डेयरिंग अंदाज काफी वायरल हो रहा है। पत्नी ताहिरा कश्यप के ब्रेस्ट मिल्क में प्रोटीन शेक मिलाकर पी गए थे आयुष्मान खुराना। ताहिरा कश्यप ने इंस्टाग्राम पर खुलासा करते हुए बताया कि पोस्ट प्रेगनेंसी हनीमून ट्रिप पर वो अपना ब्रेस्ट मिल्क डिस्कार्ड करना भूल गई और उन्हें पता चला कि आयुष्मान खुराना ने उसे प्रोटीन शेक में मिलाकर पी लिया है। वीर सावरकर की शरण में कंगना रनौत काल कोठरी में पहुंचकर बोली, मैं अंदर तक हिल गई। कंगना रनौत उस सेलुलर जेल में पहुंची जहां पर वीर सावरकर काला पानी की सजा काट रहे थे। कंगना ने अपनी इस विजिट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जो खूब वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस निया शर्मा खूबसूरत इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई। सोशल मीडिया पर अपने ग्लैमरस लुक से इंटरनेट का टेम्परेचर हाई करने वाली निया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इंडो वेस्टर्न लहंगा लुक में अपने स्टनिंग फोटो शेयर किए। रैपर बादशाह हर बार अपने गाने से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। बादशाह का नया गाना जुगनू रिलीज हो गया है। सोशल मीडिया पर जमकर धमाल भी मचा रहा है। इस सॉन्ग को सिंगर ने निकिता गांधी के साथ मिलकर गाया है।
अरसलान गोनी का हाथ थामे सुजैन खान ने मनाया बर्थडे। सामने आया वीडियो सुजैन के बर्थडे केक कटिंग का, जिसमें अरसलान सुजैन के बगल में खड़े नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने 26 अक्टूबर को अपना 43वां बर्थडे मनाया। उनका ये जन्मदिन इस बार गोवा में कुछ खास लोगों की मौजूदगी में सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों के अलावा कथित बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी भी मौजूद थे।